कर रहे हो? इसे जुगाड़ कर रखे ना के जुगाड़ जुगाड़ ना वो आवे ऐसे ना 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 ये देखो क्या है वो चिपका रखे ऊपर तक। ये पता हूं क्या होता है। हां यो खटका इसको ए यो क्यों होया लाइट से साहब। अरे लाइट भूत गो आवे ये ऐसे होता है भाई। ठीक है ये इसको ऐसे करके रहने दो यार करंट वरंट लग जाए कभी। की कर रहे हो यो क्यों होया? ये हमने जादू कर दिया बिना चाबी के ऑन। अब इसको ऐसे ऑन करके छोड़ देंगे ताकि इनका बिजली का बिल पूरा आए। इतना भट्टा बिठा रहे हैं। अच्छा 200 रुपए वसूल कर देंगे। तो गाइस ये हमारा रूम। अरे खुशहाल कमरा दिखा लाइट ऑन कर। ये हमारा रूम कैसे फैला रहा फैला दिया ये खुशहाल। अब चले कहाँ चले? अब हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि हमें लग रही है भूख और हम ज्यादा भूखे। चलते हैं गाइस तो मिलते हैं फिर। कुछ दिख रहा है ऊपर कुछ उठ रहा है। ऊपर कुछ उठ रहा है ये पानी की ऐसा और जैसा अब आया ऊपर है ना। मैंने सच में पहली बार देखा है। देखो ये मिट्टी ये सैंड कौन सा सी है? अरेबियन सी है। अरेबियन है जो गांव का जोड़ है। इंडियन ओशन है यो गांव का जोड़ है। ऐसे लोग आ जाते हैं इन्हें कुछ पता तो है नहीं। तो भाई पहली बार आए हैं घर तो बाहर पहली बार। तो यहाँ से भाई ऐसी टी शर्ट टी भी देंगे थोड़ी बहुत। तो गाइस देखो आई लव गोवा। कितना ज्यादा क्राउड है। बहुत ज्यादा क्राउडेड है ना एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल इतनी गर्मी है फिर भी हम तो सोच रहे थे बहुत ज्यादा टाइम वो लहर देख रहे नू ऐसी में बैठ जाए करे इतनी सी उल्टे उल्टा ले जाए इतनी सी साल दोहरे साल। देखो रेत देख लो भाई धस रहे हैं पैर। हम तो झूठे पैर के आगे पहले बताते ना बीच में चल रहे हैं। तो गाइस देख लो अब ये हो है गोवा। देखो यहाँ तो चश्मे लगा के आने चाहिए थे। चश्मे लगा के आने चाहिए थे। पानी में सूरज सीधा वो कर रहा है ये है। यहाँ पे मतलब काफी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है। देखो ये आया पानी। शाम को आएंगे यहाँ पे। यहाँ का ब्लॉग आएगा शाम को अच्छे से। हम तो पहले चप्पल पैर का रहे हो ना ये मतलब मुंह में हवा भी जा रही है ना वो भी खारी खारी सी जा रही है। अब खा रहे हो ही मारी। ये तगड़ा है ना तगड़ा है। ये क्या हो रहा है? इन्होंने तो कितना सुंदर हाउस बना दिया। वो पोज दे रहा फोटो खिंचवा रहे हैं। चलते हैं अब। और कितना ज्यादा क्राउड है। सच में ही ना सोची थी कि हाँ इतना ज्यादा क्राउड पाएगा। मैंने सच में ही नहीं सोची थी। जो लोग वीडियो बनाते हैं ना वीडियो शूट करते हैं कि भाई वे अकेले से बीच पर डोलते रहे वे सुबह सुबह के रहते हैं क्योंकि अब इस टाइम तो मतलब बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। आना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक तो ना इतनी ज्यादा सन ऊपर से ही वो आ रहा है। हम कैप भी नहीं पहन के आए तो हाँ कैप चाहिए थी। सनग्लासेस भी नहीं लगा के आंखों पे भी ना वो चौंधा सा आ रहा था सूरज का जिससे आंखें वीक हो जाती है। और जूते तो कभी पहन के नहीं आने चाहिए बीच में। हालांकि हम बीच में आ नहीं रहे थे पर ये बोले एक बार देख के तो आते हैं चलो क्योंकि जो हमने होटल लिया है ना वो हमारा बिल्कुल बीच के पास ही है। तो हम कुछ खाने जा रहे थे तो हम यहाँ पे भी आ गए। यो रहा जड़ के काम छोड़ भी चल रहा है काम यहाँ देना। ये रहा यहीं से आए थे हम। यहाँ से निकलते सीधा बीच पे तो अब चला भी नहीं जा रहा मेरे से तो पैर धस रहे हैं क्योंकि
देखना, मैं तो एक दिन में काली हो जाऊंगी। हाँ वैसे हमने ले ली खुशहाल के लिए ये चप्पल, तो अब जा रहे हैं हम वहाँ पे, चले सागर रत्न पे अपना खाना खाते हैं, फिर चलते हैं फिर होटल चलेंगे, नींद सी भी आ रही रात में। ठीक है, फिर उसके बाद बीच पे शाम को आएंगे। ये लोग बजे कल क्राउड कम बताया। हाँ तो गाइस ये लोग बोल रहे हैं जैसे आज संडे है तो मतलब क्राउड ज्यादा है। तो गाइस अब आए हैं हम खाना खाने, पहले हमने खुशहाल की चप्पल ले ली थी, फिर क्या हुआ था मैंने तो पहली बार देखा है इतना बड़ा मसाला डोसा, इतना बड़ा भी है क्योंकि हमारे वहाँ तो इतने बड़े नहीं मिलते ना, और देखना क्रिस्पी क्रिस्पी सा है, हमारा तो क्रिस्पी भी नहीं रहता। और हमने मंगाए पाव भाजी दो, तो हल्का फुल्का भी खा लेते हैं इतना बड़ा तो गाइस अब खाते हैं। अच्छा मैं खाऊं ये, तो खाते हैं अब फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। यहाँ पे खाया हमने पाव भाजी और मसाला डोसा, मतलब इतना यम्मी खाना, मतलब मसाला डोसा पहले खाया जी दिए। हाँ खुशहाल ध्यान से आना, कभी पैर फिसल जाए बहुत ज्यादा, मतलब हाँ ये है साउथ इंडिया में आके और साउथ इंडियन फूड ना खाओ कुछ वो नहीं, वो बहुत यम्मी होता है सच में, डोसा वहाँ पे भी नहीं मिलता ऐसा, और बहुत ज्यादा यम्मी था। ये है सागर रत्ना रेस्टोरेंट, काफी यम्मी मतलब एकदम लाजवाब। तो मैं तो ये है कि वो करूँगी, प्रेफर करूँगी कि जब भी आओ यहाँ पे सागर रत्ना पे खाना जरूर खाना, और मसाला डोसा एक नंबर यमी था, मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे तो मुझे तो नहीं बताया आपने वहाँ पे मीठी सौंप भी है। तो गाइस अब चलते हैं, अब हम आ गए हैं बीच पे, अब करते हैं बीच का व्लॉग शुरू, अब हम करते हैं यहाँ पे मस्ती। तो गाइस ये रात का गोवा का व्यू, कैलंगेट बीच, देखना कितनी ज्यादा झमझमाहट हो रही है। बंद ही हो गया क्योंकि रात के टाइम जो सिक्योरिटी होती है वो इस सकते थे, यहाँ पे होता है कैंडल लाइट डिनर, हमें नहीं करना क्योंकि हम ऑलरेडी खा के आए, पेट भरा हुआ है फुल। आई लव गोवा के पास चलेंगे, चलो यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं फिर चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं एंजॉय करते हैं फिर चलेंगे। आज लेके आए हैं मुझे कैंडल लाइट डिनर पे, मतलब ये सपना भी पूरा कर दिया कैंडल लाइट डिनर का, और वो भी बीच पे मतलब मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन कैंडल लाइट डिनर के चक्कर में मतलब मैं तो ऑलरेडी मतलब मैंने बहुत कुछ खा रखा है तो मैं मुझे भूख नहीं है, मैं बस मिल्क शेक पी लूंगी स्ट्रॉबेरी, और मैंने मंगवाया प्रॉन्स, मतलब कह रहे हैं एक बार टेस्ट कर सी फूड में क्या है क्या होगा उसमें, कह रहे झींगा में छी मेरा भी खा लेना, मैं नहीं खाऊंगी प्लीज, ट्राई तो करें यार एक बार, ना 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मुझे उसके नाम से ही घिन आ रही है। मैं तो करूं, हां कर लो, मैंने मना कर दिया, कर रोज एक चीज चेक करूंगा मैं, आज झींगा कल केकड़ा और कुछ। तो गाइस ये खाएंगे झींगा, तो आप बस अब हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, जितना मॉर्निंग में क्राउड था ना अब उतना नहीं है, अब उतना नहीं है, अब तो लाइट होता है, बहुत लाइट हो गया सुबह, तो सुबह नहीं दोपहर में, दोपहर में मैं दोपहर बाद भाई कोई भी संडे ना तो आइयो मत, मतलब कोई फायदा नहीं है संडे को आने का, संडे ना तो आओ क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है, क्योंकि जो आस पास के स्टेट्स है ना वहाँ के लोग भी आ जाते हैं, छुट्टी हो जाए ना, छुट्टी होती है, लोकल आदमी बहुत मिलते हैं, मतलब साउथ इंडियन वाले तो पूरा लगभग खाली सा हो गया क्योंकि सब लोग चले गए, अब बस हम भी हर जगह आई लव गोवा आई लव गोवा आई लव गोवा।
हमने भी खूब सारी रील्स बना दी, तो गाइज प्लीज देखना और व्लॉग एक भी व्लॉग मिस मत करना, सारे देखना। अब बस हम भी अपना लेके स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक झींगा खिला के इनको झींगा, फिर हम जाएंगे अपने रूम पे, फिर मिलते हैं। गाइज ये हो रहा है हमारा कैंडल लाइट डिनर, डिनर नहीं सॉरी कैंडल लाइट ड्रिंक हो रहा है। अच्छा सच भी अच्छा है ना, मतलब वर्थ है 200 रुपए का। ना सच में है इतना टेस्टी है, देखो तो गाइस ये है वो फूड, मुझे तो लग रहा है पागल बना दिया आपका, ये कुछ मंचूरियन पंचूरियन है, जेंगा की है वो झांगा ना झींगा है, झींगा कांत लग रहा है ये झींगा, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, ये झींगा का दिल है यो। खा के देखो फिर पता चलेगी के है, जब मैं बताऊंगा है ना। चलो खाओ आप फिर मैं गरम सही पे, अच्छा गरम भी है के, फिर मैं आपका एक्सपीरियंस देखूंगी। गाइस ये थी हमारी डेट नाइट आसमान के नीचे, और ये इन्होंने खा लिया झींगा पेंगा जो भी ने खाना था। अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि आज ट्रैवल करके आए हैं थी दूर से यहाँ पे, और अब मिलते हैं कल नए ग्रुप के साथ। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कल लेके जाएंगे गोवा की बेस्ट प्लेस, गोवा की बेस्ट प्लेस पर चलेंगे कल, और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो फिर मिलते हैं गाइज कल, और कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कब आए यहाँ, कैसा फील हो रहा है, कितनी देर गली कह रही है ना, देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना। इसके फायदे हैं कि ये जो टेक्स की लोग है ना, इसको हटा देते हैं, जो पैर क्लीन कर देते हैं, और जो मतलब ऐसे मसाज टाइप हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। तो हम दोनों ये कर रहे हैं, और खुशहाल गया है तब तक रूम पे, तो अब हम ये थोड़ी देर करके फिर चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो मिलते हैं गाइस।